हेलो एंड वेलकम टू डॉक्टर्स किचन। आज मैं आप लोगों के लिए मटन सामी कबाब बनाने जा रही हूँ और ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू मेक मटन सामी कबाब फॉर ऑल ऑफ यू एंड इट्स वेरी वेरी हेल्दी एंड टेस्टी। सो लेट्स सी व्हाट ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू मेक इट एंड हाउ डू आई मेक इट। मटन सामी कबाब बनाने के लिए 1 kg का मैंने मटन मिन्स मीट या कीमा ले लिया है, 200 ग्राम उबले हुए काले चने हैं, दिस इज ब्लैक चिक पी, 5 बे लीव्स एंड 1 सिनेमम स्टिक, ये एक दालचीनी का है बड़ा टुकड़ा, और 5 इसमें तेज पत्ते हैं, 1 टीस्पून काली मिर्च ले लिया है मैंने, दिस इज ब्लैक पेपर पाउडर, 8 to 9 ग्रीन कार्डमम, ये छोटी इलायची है, सॉल्ट टू टेस्ट, ट्यूमरिक मैंने हल्दी, और 5 हरी मिर्च है, उसमें 1 इंच अदरक हम ग्रेट करेंगे। मटन कीमा को मैंने हल्दी, नमक, तेज का पत्ता 2 और 1 बड़ी दालचीनी, 6-7 इलायची के साथ में बॉईल कर रहे हैं, और ये जब तक बॉईल करेंगे तब इसमें पानी सूख ना जाए और ये सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। नाउ आई एम बॉइलिंग द मटन मिन्स मीट विथ ट्यूमरिक, सॉल्ट टू टेस्ट, 2 बे लीव्स, 1 बिग सिनेमन एंड 6 कार्डमम। आई बॉइल इट टिल द वॉटर इज ड्राइड इन इट एंड मिन्स मीट इज सॉफ्ट एंड टेंडर। वॉटर हैज ड्राइड नाइसली एंड मीट हैज बिकम ऑल्सो सॉफ्ट एंड टेंडर। सो नाउ आई स्विच ऑफ द गैस and remove bay leaf as well as cinnamon stick because now we don't need them, it has already left the aromas। ये चने को मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है और अब इसको हम कीमे में मिला देते हैं। ये कीमे को हम नहीं मिक्सी में करेंगे, अदरवाइज ये बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और फिर उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता है। नाउ आई हैव ऑलरेडी ग्राइंडेड द चिक पीस विच वॉज बॉइल्ड अर्लियर, नाउ आई एम गोइंग टू मिक्स इन इट, बट दिस मिन्स मीट, मटन मिन्स मीट हैज टू बी बॉइल्ड सेपरेटली एंड वी डू नॉट ग्राइंड इट इन अ मिक्सी, ओनली द चिक पीस हैज टू बी ग्राइंडेड। सो नाउ आई एम मिक्सिंग इट। Now I'm grating ginger 1 inch, ये मिंट लीफ, पुदीने के पत्ते को भी रफली चॉप करके डाल दिया है, I've already added salt in the mutton, so I'm adding only little bit because chickpea is not boiled with the salt. वॉटर टू मेक वेरी स्मॉल स्मॉल बाउल्स, अपने हाथ को थोड़ा सा एक उसमें गीला करके ताकि ये कबाब जो है हमारे उसमें चिपके नहीं, इसको अब कबाब के शेप में हम रोल कर लेंगे, हल्के हाथों से दबा करके। जेंटली एंड फर्मली यू हैव टू जस्ट प्रेस इट एंड गिव अ शेप ऑफ कबाब।
देखा है आपने मटन सामी कबाब किस तरह से बनते हैं और इसको बनाने में इतना कोई मुश्किल प्रोसीजर भी नहीं है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।